अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान शादाब खान ने इंकशाफ किया है कि उनकी रिकॉर्ड साज कारकर्दगी के पीछे, उनके पाकिस्तान टीम में आने के पीछे एक बड़ा ताना था जो कि बाबर आजम ने उनको दिया, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हुए। उसके बाद वो आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान के लिए शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ की कामयाब मेज़बानी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने मुल्तान के लिए बड़ा ऐलान किया है। कौन से बड़े मैचेस अब वहाँ पर होंगे, ये तफसीलात आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। जबकि मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के किस मौजूदा प्लेयर को वाइट बॉल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया है और वो खिलाड़ी बाबर आजम के अलावा दूसरा कौन है, ये आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। जबकि पाकिस्तान की वेमेन क्रिकेटर तूबा हसन ने नई तारीख रकम की है, ये तमाम चीज़ें आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान, जिनका कम बैक हुआ मुल्तान के में खेली जाने वाली सीरीज में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। इस सीरीज से पहले वो दौरा बांग्लादेश में नहीं खेल सके थे, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ जो होम सीरीज थी उसमें आउट ऑफ टच रहे, कोई वनडे मैच नहीं खेल सके थे या टी20, हालांकि वो स्क्वाड में शामिल थे। और उसके बाद उनकी जो फिटनेस के हवाले से काफ़ी मसाइल थे, लेकिन उन्हें कम बैक करने में कामयाब रहे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और आखिरी वनडे मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाई। गो के पहले मैच में भी नपीत उली बॉलिंग कराई थी, अपने 10 ओवर्स में सिर्फ एक चौका खाया था, लेकिन आखिरी वनडे मैच में जब पाकिस्तान टीम को अच्छा ज़रूरत थी तो उन्होंने करियर बेस्ट 86 रन की शानदार इनिंग्स खेलने के साथ साथ 4 विकटें भी हासिल कीं और पाकिस्तान को सीरीज में क्लीन स्वीप की जो कामयाबी है वो दिलवाई, उसमें नुमाया किरदार अदा किया था आखिरी वनडे मैच में फतह हासिल करने में। इसके पीछे उनका कहना है कि जो मेरी मोटिवेशन थी उसके पीछे बहुत बड़ा किरदार था बाबर आजम का, जिन्होंने उन्हें ताना दिया था बुढ़ा होने का, जिसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की खासतौर पर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ताकि अपनी फिटनेस सही कर सकूं। बाबर आजम ने यह ताना इसलिए दिया था कि मैं बार बार फिट और अनफिट हो रहा था और हर दूसरी सीरीज में ये मेरे साथ मसाइल आ रहे थे। उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की कि मुकम्मल फ़िट होकर पाकिस्तान टीम में कम बैक करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करने में कामयाब रहा। इसके अलावा उनका यही कहना था कि आखिरी वनडे मैच में जो पिच थी वो ज़्यादा बैटिंग के लिए साजगार थी, लेकिन उनका यह भी कहना था कि लाजमी नहीं है कि अच्छी पिच पर हर बड़ा बैट्समैन या हर बैट्समैन बड़ा स्कोर करे, अच्छी पिच पर भी बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं। उन्होंने निकोलस पुरान की मिसाल दी, कहा कि इससे पहले कभी भी वो किसी मैच में एक ओवर तक मुकम्मल नहीं कराया था, लेकिन इस मैच में वो 4 विकटें हासिल करने में कामयाब रहे, हालांकि ये विकेट बैटिंग को सपोर्ट कर रही थी। तो क्रिकेट है, इसमें ऐसी चीजें होती रहती हैं, ये उनका कहना था। उनका ये भी कहना था कि आगे आने वाले जो सीरीज हैं और मैचेस हैं उसमें वो अच्छी कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं। एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज होंगे इस साल। इसके अलावा पाकिस्तान को होम सीजन में भी शानदार कई बड़ी सीरीज के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ 7 टी20 मैचेस की सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है, तो पाकिस्तान के लिए आइंदा जो आने वाला सीजन है इंतहाई भरपूर है। और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मेज़बानी करने वाले मुल्तान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि जहां पर जिस तरह तमाशाई ग्राउंड में आए, भरपूर सपोर्ट किया दोनों टीमों को, अब यहाँ के जो शायकीन हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्रिकेट हो। उन्होंने वादा किया कि ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के मैचेस यहाँ पर कराए जाएंगे बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज उसके मैचेस भी यहाँ पर कराए जाएंगे। वाज़ह है कि इंग्लैंड की टीम रवा साल 2 बार पाकिस्तान आएगी, एक बार वो 7 टी20 मैचेस की सीरीज खेलेगी, उसके बाद वो साल के आखिर में नवंबर दिसंबर में एक बार फिर पाकिस्तान टीम का पाकिस्तान का दौरा करेगी और वो 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी जो कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट मैच भी मुल्तान में रख सकता है, लेकिन देखना होगा कि दिसंबर में मुल्तान में अगर ये सीरीज होती है तो वहां पर धुंध का क्या आलम होगा। इसलिए बेहतर होगा कि टी20 सीरीज के कम अज कम 2 मैचेस मुल्तान में रखे जाएं, और सितंबर में चूंकि मौसम भी अच्छा होगा और टी20 मैचेस चूंकि मुख्तसर फॉर्मेट के होते हैं, इसलिए बेहतरीन मौका होगा कि मुल्तान को अगर नवाजना है, उनको इसका सिला देना है, तो फिर टी20 सीरीज के मैचेस यहां रखे जाएं, क्योंकि दिसंबर में जब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि यहां पर धुंध बहुत ज्यादा पड़ती है और टेस्ट मैचेस मुतासर होने का खतरा पैदा हो जाएगा। और इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह शानदार अंदाज में परफॉर्म कर रही है, अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी यूं ही मुहतद रहे और इस तरह खेल पेश करते रहे तो दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकेगी। और इसके अलावा बाबर आजम की तारीफ करते हुए कहा कि बाबर आजम अब उस क्लास में पहुँच गए हैं जहाँ पर वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने और रन ना करने के बावजूद भी मीडिया की शायद सुर्खियों में रहते हैं, और ये बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आगे अपने करियर को किस तरह लेकर चलते हैं, और अब तक उनकी कामयाबियाँ जो हैं वो शानदार हैं, इस पर वो मुबारकबाद के हकदार हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान ने सीरीज के 3 मैचेस जीते जो कि रिकॉर्ड पाकिस्तान का 21वां क्लीन स्वीप था, दुनिया में सबसे ज्यादा क्लीन स्वीप करने का एजाज हासिल किया।
और उसके अलावा एक और बहुत अहम खबर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के हवाले से है, वो उन्होंने पाकिस्तान के किस प्लेयर को मौजूदा जो पाकिस्तान की टीम है उसका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया है, वो बाबर आजम नहीं बल्कि इमामुल हक हैं। उनके बारे में कहना है, एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा कि इमामुल हक पाकिस्तान के वाइट बॉल के बेस्ट प्लेयर हैं मौजूदा वक्त में, यह उनका कहना था ट्विटर पर। और वाजह है कि जो इमामुल हक की कारकर्दगी है हालिया अरसे में वो इंतहाई शानदार रही है। गुज़िश्ता सीरीज़ में ना सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, रावलपिंडी टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई, उसके बाद जो वनडे सीरीज़ थी दो पहले वनडे मैचों में सेंचुरियाँ बनाई, फिर आखिरी वनडे मैच में नॉट आउट रहे 89 रन बनाकर और सीरीज़ में 298 रन बनाए, जो कि कैंगरोज़ के खिलाफ तीन वनडे मैचेस की एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने का आलमी रिकॉर्ड भी है। और मौजूदा वक्त में जो उनकी परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा शानदार है, लगातार 7वीं इनिंग्स में 50+ इनिंग्स खेल चुके हैं और उसके अलावा वो ICC वनडे रैंकिंग में दूसरे दर्जे पर आने के करीब हैं, जो कि मौजूदा वक्त में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो वो तीसरे नंबर पर हैं। इसलिए इमामुल हक को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी कारकर्दगी मौजूदा वक्त में अच्छी है और वो इस काबिल हैं कि उन्हें कहा जाए कि पाकिस्तान के वाइट बॉल के बेहतरीन प्लेयर हैं, और जैसा कि वो अपनी कारकर्दगी से साबित भी कर रहे हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान की वेमेन क्रिकेटर तुबा हसन, जिन्होंने श्रीलंका की वेमेन टीम के खिलाफ गुज़िश्ता सीरीज़ में डेब्यू किया था और पहले मैच में 8 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी, जो कि पाकिस्तान की जानब से किसी भी वेमेन प्लेयर की डेब्यू मैच में सबसे बेस्ट बॉलिंग कारकर्दगी का एजाज़ था, और उसके अलावा सीरीज़ में भी उनकी कारकर्दगी शानदार रही थी। इसके अलावा उन्होंने एक नई तारीख रकम की, ये उनका पहला सीज़न था, पहली सीरीज़ थी और ये पहला महीना था कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू की और उन्हें पहली बार ही ICC का जो ICC की बेस्ट वेमेन प्लेयर है ऑफ द मंथ है मई 2022 की, वो उन्हें करार दिया गया और ये पाकिस्तान की पहली वेमेन प्लेयर बनी है जिन्होंने ICC का ये प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हासिल किया है। इससे पहले कोई भी पाकिस्तान की वेमेन प्लेयर ये एजाज़ हासिल करने में नाकाम रही थी। इसके लिए उनका जो मुकाबला था दो दीगर प्लेयर से था, जिनमें एक अपनी कप्तान बिस्मा मारूफ थी और उसके अलावा जर्सी की 17 साल वेमेन प्लेयर ट्रेनी स्मिथ जो है वो इसकी हकदार थी, उन्हें नामजद किया गया था, लेकिन बाद में ये जो कुरा फाल है वो जो वोटिंग के जरिए निकला वो तुबा हसन के नाम निकला। तुबा हसन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो एक बेहतरीन लेग स्पिनर हैं, शादाब खान तारीफ़ कर चुके हैं, पाकिस्तान की साबिक वेमेन जो कप्तान है सना मीर, उनका कहना है कि तुबा हसन का जो फ्यूचर है वो इंतहाई रोशन है, वो शानदार बॉलर हैं और आने वाले दिनों में वो मजीद कामयाबियाँ हासिल करेंगी।